स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। जिस स्वप्न लोक है और यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, इसका मतलब मैं वो भी इमेजिन कर सकता हूँ जो मैं खो चुका हूँ। लगता है तुम्हारे अंश ने हार मान ली चुटकी। ऋषभ जी कह रहे थे कि हम लोग सपना देख रहे हैं, हम सपने में हैं। हाँ, हम स्वप्न लोक में हैं। हम लोग सो गए थे और यहां पहुंच गए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सच नहीं, बस सपना है। और इसलिए मोना हमें कंट्रोल कर पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि स्वप्न लोक में कुछ भी हो सकता है। लगता है इन्हें पता चल गया कि ये लोग स्वप्न लोक में हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इससे पहले ये लोग कुछ कर पाए, डायन वाहन इन्हें चांद पे पहुंचा देगा, जहां से ये लोग कभी लौट के नहीं आ पाएंगे। मुझे किसी भी तरह चांद अग्नि को बचाना होगा, वरना ही सब इसमें जल जाएंगे। कैसे? मुझे इसके लिए अपने आप को फ्री करना होगा। देवी माँ, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अगर हम लोग ड्रीम वर्ल्ड में हैं, जहाँ सब पॉसिबल है, तो फिर हम लोग अपनी इमेजिनेशन से इस वाहन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यार राइट। ये तो रुका ही नहीं। हाँ, हम क्या करें? ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये हवा में है। अब ये सीधा चांद पे जाके ही रुकेगा। ये वाहन हवा में है और हमारी शक्ति अभी काम नहीं कर रही। क्या हमें कुछ तो करना होगा, क्या करें? जिस स्वप्न लोक है और यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, इसका मतलब मैं वो भी इमेजिन कर सकता हूँ जो मैं खो चुका हूँ। लगता है तुम्हारे अंश ने हार मान ली चुटकी। मैंने इस वाहन को रोक लिया है, अब हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और चांद तक पहुंचने से भी रोक सकते हैं। Oh my God!
ये आग तो पानी से भी नहीं बुझ रही, अब क्या करूं? आयुष, तो ये सब तुमने किया, तुम हमें स्वप्न लोक में लेकर आए। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। अब ये तुम्हारा आयुष नहीं है, ये काली शक्तियों और स्वप्न लोक का राजा है। काली शक्तियों का राजा आयुष? मैंने वो दो चार रात रस तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम ठीक हो सको, ना कि इसलिए कि तुम कोई काली शक्ति बन जाओ। कैसे हो गया? मैंने ये सोचा कैसे नहीं, मेरी वजह से आयुष? नहीं पिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पापा ने कहा था ना कि वो तत्व मेरे अंदर से निकलकर आयुष के अंदर चला गया, इसी वजह से वो काली शक्ति बन गया है। वो भी मेरी ही गलती है ना, आज मैंने वो बॉटल गिरा दी थी। I'm sorry, आयुष, अगर मैंने उस तत्व को बॉटल में बंद कर दिया होता तो तुम काली शक्ति नहीं बनते। मुझे माफ कर दो, I'm sorry। अमन, तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसा कब तक चलेगा? मिसेस जी, हमारी और डफली की जिंदगी से ऐसे कैसे जा सकती? जब जाना ही था तो वापस आने की क्या जरूरत थी? काहे बार बार हमको इंडिकेशन भेज रही थी कि वो चुड़ैल लोग से वापस आना चाहती हैं हम लोगों के पास? क्यों हमारे मन में उम्मीद जगाई कि वो वापस लौट के आ सकती है? नमन, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा पेन, तुम्हारा गुस्सा मैं सब समझती हूँ, पर ऐसे खाना पीना छोड़ देने से दिलरुबा वापस तो नहीं आ जाएगी ना? नमन, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। हाँ डैड। हेलो सावी, अग्नि कवच द्रव्य लेकर राठौर के घर पहुंचो, इट्स एन इमरजेंसी। हुआ क्या डैड, सब ठीक तो है ना? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो सावी, प्लीज। आती हूँ, ओके बाय। नमन, डैड ने बुलाया, कुछ इमरजेंसी है, चलो। नमन, तुम आ रहे हो मेरे साथ? रहने दो पिया, तुम ये मगरमच्छ के आंसू बहा के आयुष को और बेवकूफ नहीं बना सकती। इनकी चाल समझ रहे हो आयुष? ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब ये रोने धोने का नाटक कर रहे हैं ताकि तुम भावनाओं में बह जाओ और इन्हें बख्श दो। नाटक हम नहीं, आप कर रही है, खेल खेल रही है आप हमारे साथ। एंड आई एम श्योर हमें स्वप्न लोक में लाने का आइडिया आयुष का नहीं, आपका है। सही कहा, आइडिया मोना का था, लेकिन इसे अंजाम मैंने दिया है, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैं हूं बुराई का राजा। नहीं आयुष, तुम ऐसे नहीं हो। उस रास्ते तुम्हें ऐसा बना दिया है। बुरा बन के कितना अच्छा लगता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूं आयुष, ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, तब मैं रियलाइज नहीं कर पाया कि सही क्या है और गलत क्या। जब मैंने दो चांद रात रस पिया था तब मुझे भी बहुत मजा आ रहा था, तब मैं रियलाइज नहीं कर पाया कि सही क्या है और गलत क्या। सही गलत तुम इंसानों के लिए होते हैं, हमारे लिए सही गलत, जायज नाजायज कोई मायने नहीं रखता। हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और हमारा फायदा इसी में है कि तुम सब जिंदा ना बचो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बार बार मेरे रास्ते में आओ, इसलिए हमेशा के लिए तुम सबको अपने रास्ते से हटा रहा हूं। कि तुम नहीं मोहना बोल रही है? हाँ आयुष, तुम तो काली शक्तियों के राजा हो, फिर भी एक मामूली एकाएन से ऑर्डर्स ले रहे हो। इनकी बातें मत सुनो आयुष, ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
हम दोनों काली शक्ति हैं। तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। देखा, अभी भी तुम्हें ऑर्डर कर रही है। आयुष, धोखा और फरेब डायन की फितरत होती। ये डायन कभी अपने परिवार की सगी नहीं हुई, अपने बेटे की सगी नहीं हुई, तुम्हारी सगी कैसे होगी? सोचो जरा। आयुष को कोई धोखा नहीं दे सकता, पर ना ही मेरे सर से कोई ताज छीन सकता है, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ। पर ना ही मेरी कोई कमजोरी है। तुम सबकी कमजोरी है प्यार, परिवार। लेकिन मेरा ना तो कोई परिवार और ना ही मुझे किसी से प्यार। अब इससे पहले मैं तुम सबके साथ जबरदस्ती करूं, चुपचाप इस वाहन में जाके बैठ जाओ। एक बार इसे चांद पे भेज दिया तो ये वापस नहीं आएगा। आयुष, क्या तुम सच में चाहते हो हम सब तुम्हारी जिंदगी से चले जाएं? हाँ ठीक है आयुष, जो तुम चाहते हो वही होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।